क्या आप भी आने वाले समय में अपना पैसा डबल करना चाहते हो? हाँ जी दोस्तों, ये स्टॉक आपके लिए है। आने वाले समय में आपका पैसा डबल करके देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा वन बाय वन। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड मैं बात करूँ कि ये स्टॉक एक साल में रिटर्न कितना प्रोवाइड किया है, तो इधर आप लोग देख सकते हो 32% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। और ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि ये अपने हायर से आपको आपको मैं दिखाता हूँ, ये 17% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो आप इसमें बाई कर सकते हो। एंड मैं 5 साल का बात करूँ, तो 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने 539% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है, तो आप इसमें इजिली बाई कर सकते हो। एंड जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी करंटली, वो 74 रुपये, 75 रुपये चल रहा है, तो एक आप गुड साइन मान सकते हो कि यह आगे चल के 200 या 300 रुपये का स्टॉक हो सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं इसमें इन्वेस्ट करने का बात करूँ, तो आप लोग देख सकते हो जो इसका सेल्स हुआ है 3 साल के अंदर 27% का हुआ है, एंड 5 साल के अंदर जो सेल्स किया कंपनी ने, इधर आप देख सकते हो 14%, 14.5% का सेल्स किया है, तो ये एक गुड साइन है ये भी। एंड मैं 3 साल का प्रॉफिट का बात करूँ, तो आप लोग देख सकते हो 52.5% का प्रॉफिट किया है, तो एक ये गुड भी साइन है कि ये प्रॉफिट जो है कंपनी का बहुत ज़्यादा है। एंड 5 साल का प्रॉफिट का मैं बात करूँ, तो 63% का प्रॉफिट है। एंड मैं बात करूँ कि रिटर्न का, तो 3 साल के अंदर रिटर्न जो दिया है वो 49% का रिटर्न दिया है। एंड 5 साल का रिटर्न का मैं बात करूँ, तो 44.5% का रिटर्न इधर आप लोग देख सकते हो। एंड प्रमोटर होल्डिंग जो है इस कंपनी में, वो 31% का प्रमोटर होल्डिंग है। एंड जो मार्केट कैप है इस कंपनी का, वो 1633 करोड़ रुपया है, तो मार्केट कैप कम है, बट आप इसे एक स्मॉल कैप कंपनी कंसीडर कर सकते हो। एंड इसमें पैसा लगा, ज़्यादा पैसा आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, बट ये जब भी आपको पैसा देगा तो बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा। और ये देख सकते हो आप लोग, कंपनी का नाम इधर लिखा हुआ है, आप लोग इसे गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च करके इसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर करना।